हेलो फ्रेंड, आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ अ फ्रिक्शन क्लच, जब फ्रिक्शन क्लच की डिजाइन की जाती है, व्हाट आर द कंसिडरेशंस दैट शुड बी मेड। सो फ्रिक्शन क्लच की डिजाइन जब की जाती है तो क्या कंसीडर्स किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू डिजाइन अ फ्रिक्शन क्लच द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ये पॉइंट्स हैं जो फ्रिक्शन क्लच को डिजाइन करते समय ध्यान रखा जाए। द मटेरियल फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेसेस मस्ट मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड। फ्रिक्शन क्लच को डिजाइन करने से पहले हमें सबसे पहले मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले मटेरियल को देखना पड़ेगा, मटेरियल कौन से मटेरियल यूज करना चाहिए उसको सिलेक्ट किया जाता है। फॉर हाई स्पीड डिवाइसेस टू मिनिमाइज द इनर्शिया लोड ऑफ द क्लच, लो वेट मूविंग पार्ट्स मस्ट बी सिलेक्टेड। और हाई स्पीड डिवाइस के लिए जो कि मिनिमाइज द इनर्शिया लोड, जो इनर्शिया लोड को कम कर सके, तो उसके लिए हम लो वेट्स यूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। द कंटेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसिस मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल द टाइम्स विदाउट द अप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। जो कंटेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसिस होता है उसे मेंटेन किया जाता है ऑल द टाइम्स विदाउट द अप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। प्रोविजन्स फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द रिपेयर्स मस्ट बी देयर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेफ्टी द प्रोजेक्शन पार्ट्स ऑफ अ क्लच मस्ट बी कवर्ड। अ प्रोविजन टू टेक अप द वियरिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मस्ट बी प्रेजेंट। हीट डिसिपेटर्स टू टेक अवे द हीट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस मस्ट बी देयर। सो थैंक यू गाइज, मेरे चैनल इजी टू लर्न इंजीनियरिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें।